जी, इस्लाम फॉर यू साहब, वेलकम है आपका मेरे स्ट्रीम में। जी, जी, आप मुझे अपना पहले नाम, तो जी, अगर अगर हाँ, आप मेरा अपना नाम नाम, मुबारक खान है, मेरा नाम मुबारक जी खान है कहाँ से आप, और मैं इंदौर के पास से हूँ जी और किस मसलक को आप फॉलो करते हो? जी। मैं मुस्लिम हूँ, इतना काफी है। ठीक है, आप कोई पर्टिकुलर मसलक, कौन से जाकिर नायक वाले मुस्लिम है या कौन से वाले मुस्लिम है? नहीं, मैं सिर्फ मुस्लिम हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान में मुस्लिम कहा है तो मैं सिर्फ मुस्लिम ही हूँ। अच्छा, चलिए अच्छा, ठीक है, बहुत और अच्छी बात है जी। चलिए, जी, है ना। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कर लूं, उसके बाद फिर हमारे एक्चुअल डिस्कशन पे आता है। आप मुस्लिम हैं, आपका कोई फिरके से ताल्लुक नहीं है, तो आप दीन का इल्म कैसे हासिल करते हैं? जी, मैं खुद ही कुरान का तर्जुमा और हदीसें पढ़ता हूँ और उसी से मैं दीन का इल्म हासिल करता हूँ। और किसी भी आपको अरबी मसले आती को, है? ठीक किसी भी, नहीं, मैं अरबी नहीं आती मुझे, मैं तर्जुमा देखता हूँ और ठीक किसी भी मसलक में जो हक बात बताता है मैं उसको मान लेता हूँ। ठीक है, मुबारक भाई, बहुत बहुत अच्छा आपसे ये डिटेल्स मिली। तो क्या आपको पता है अच्छा, कि तो ये स्ट्रीम का टॉपिक क्या है? जी, मैं अभी कुछ टॉपिक में सुन रहा था, उस पे से मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें मुझे। मैं आपको टॉपिक बता देता हूं, फिर आप बोलिए। देखिए, आज का जी जो टॉपिक है वो ये है कि जब जी अल्लाह हिदायत देता है, अल्लाह के इख्तियार में है हिदायत देना, और अल्लाह गुमराह जी करता है, जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको पूरी दुनिया मिलके हिदायत नहीं दे सकती, और जिसको बेशक सही अल्लाह बात हिदायत दे दे उसको पूरी हाँ दुनिया मिलके गुमराह नहीं कर सकती। तो लोग, जी जो लोग गुमराह है उनकी क्या जी गलती है, उनको सजा क्यों मिलनी चाहिए, उनको जहन्नम क्यों मिलनी चाहिए? अच्छा, ठीक जी है, मैं बोलिए आपको अभी। इसका बताता हूँ। ठीक है, पहले मैं बात करना चाहूंगा, जो एक एग्जांपल से समझा दूंगा, चल जाएगा बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे समझा सकते हैं, जिस तरीके से समझा सकते हैं उस तरीके से आप समझाइए। जी। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, देखिए, एक हजरत ने बोला कि कुरान और जो इस्लाम है वो अरबी में ही क्यों आया, है ना। तो इस पे से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे, मान लीजिए इंडिया है, इंडिया के जो डॉक्टर हैं, जो मेडिकल लाइन है, वो पूरी अंग्रेजी में है। अगर कोई डॉक्टर बनता है तो वो, उसको पहले अंग्रेजी सीखना होती है। अब अगर कोई डॉक्टर ये कहे कि नहीं, मैं अंग्रेजी नहीं सीखूंगा क्योंकि वो मेरे देश की भाषा नहीं है या वो मेरे इलाके की नहीं, अगर वो मेरी भाषा होती तो ही मैं सीखता, क्या आप ये बात सही मानेंगे? या फिर वो जो इलाज है पर्टिकुलर, वो इलाज के बारे में सीखना जरूरी है? यहाँ पर लैंग्वेज की बात होगी या फिर इलाज की बात होगी? अगर हर इस पॉइंट डॉक्टर का मैं ये जवाब दे कहे, दूं आपको? एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, जी हर डॉक्टर अगर ये कहे कि मैं जो है मेडिकल में डॉक्टर तभी बनूंगा जब वो मेरी मातृभाषा में आए, तो क्या हमारे देश में कोई डॉक्टर हो पाता? तो हमारा जो मेन मकसद होना चाहिए कि अगर इस्लाम कहता है कि शराब मत पियो, सुनना, मैं आपके बात पे आ रहा हूँ, सुन रहे हैं, हेलो, जी 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 आप सुन रहे हैं बोलते आप? जाइए। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, अब अगर इस्लाम कहता है कि शराब मत पियो, अब आप अगर ये कहेंगे कि शराब नहीं पीने की बात मेरी लैंग्वेज में आती तो मैं अल्लाह की बात मान लेता, लेकिन वो अरब वालों ने बोली है इसलिए मैं नहीं मानूंगा। अब अगर वही शराब पीने वाला किसी लड़की को पकड़ कर उसका रेप कर दे, सुनना मेरी बात, जी रेप कर जी दे, बोलते जाइए और आप। फिर वो शराब पीने वाला इस्लाम की बात ना मानते हुए शराब पिए कि नहीं, मैं शराब को हराम नहीं मानता, अब वो शराब को पी ले और फिर किसी लड़की का रेप कर दे, है ना, और फिर ये कहे कि अल्लाह चाहता तो मैं रेप ना करता, तो अल्लाह ने तो चाहा था कि शराब ना पिया, अगर तू शराब ना पीता तो तू रेप भी ना करता। तो इसी तरह अल्लाह तो हमें बताता है, लेकिन हम अपनी जीत पे नहीं मानते, और जब हम अपनी जीत पे नहीं मानते हैं तो हम अल्लाह को दोष नहीं दे सकते, और जब हम अल्लाह की बात नहीं मान रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि अल्लाह चाहता तो हमें हिदायत देता, तो अल्लाह फिर सजा इसलिए देगा कि आपने उनकी अल्लाह की बात नहीं मानी, आप लैंग्वेज पे अड़े रहे, आप अपने इलाके पे अड़े रहे। अगर आप ये सोचते कि बात अरबी की हो या अमेरिकन हो, अगर वो बात सच है, वो हक है, अगर वो किसी बुरे काम से रोकती है, तो क्यों ना हम उनकी बात माने, क्यों ना हम उस बात पे अमल करें? अब आप बोल सकते हैं, फिर मैं बोलूंगा। जी सचवाला जी, पहले मैं बोल लूँ या आप बोल रहे हो? जी हाँ, आप बोलिए पहले। जी देखिए, आपने जो, आपका नाम मुबारक भाई है बराबर? जी जी, मेरा एक चैनल है इस्लाम फॉर यू, इस पे आप क्लिक करेंगे तो मैं ठीक नास्तिकों है, के लिए जो भी प्रॉब्लम है उनके सवाल है उनके जवाब दे रहा हूँ, मैंने दो वीडियो अभी तक और डाल चुका खूब, हूँ मैं।
और आप बिल्कुल, आप इंशाल्लाह आपको हिदायत मिलेगी अगर आप हक बात पे चलेंगे तो, सच बात मानेंगे तो बिल्कुल आपको हिदायत मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया आपका। ठीक जी, साहिल आप जो है जवाब दें। जी। देखिए मुबारक भाई, जो आपने लैंग्वेज का जो एग्जाम्पल दिया है कि जी। एक स्टूडेंट अगर वो डॉक्टरी की पढ़ाई करे तो उसकी जो हाँ हाँ किताब है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगी, ठीक है। जी देखिए जी आप पहली बात तो एक अल्लाह के लिए जो मिसाल है वो आप इंसानों हाँ से, इंसानों को लेकर मिसाल दे रहे हो, और अल्लाह नहीं देखिए फरमाता आप है, सुनिए ना, आप मेरी जी बात कंप्लीट होने दीजिए फिर आप बोलिए, ठीक है। जी अल्लाह जी अल्लाह के लिए मिसालें गढ़ना जो है ये सही नहीं है, ठीक है। नहीं ये सर मैं ये देखिए कह रहा मैंने हूं, सुनिए ना, एक दो मिनट सुनो ना, अल्लाह की मैंने नहीं मैं जवाब दे रहा जी हूं, जी जी मैं जी जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, जी उसके बाद आप उसके सवाल करिए। मैंने आपकी बात बिल्कुल सुनी ना, तो आप भी सुन लीजिए। जी, जी। तो पहली बात तो ये कि डॉक्टर जो है वो एक इंसान है, ठीक है। जी ठीक है वो उसके इख्तियार में नहीं है कि वो हर किसी को जो है वो एक ही लैंग्वेज का बना दे या एक ही लैंग्वेज सबको सीखने वाला बना दे, ठीक है। क्या अच्छा आप अल्लाह को अच्छा भी, क्या वो मजबूर है डॉक्टर, तो क्या आप अल्लाह को अच्छा भी मजबूर समझते हैं कि वो सबको एक लैंग्वेज वाला बना देता ताकि उसकी जो किताब है वो आसानी से सबके समझ में आ जाती। नहीं सर प्रॉब्लम और ये है कि आप कुरान सुनिए हर ना, लैंग्वेज में अवेलेबल है, कुरान हर लैंग्वेज में अच्छा, अवेलेबल है, आप कोशिश तो कीजिए लेकिन हर अगर लैंग्वेज में आप अवेलेबल। जी सुनिए ना, पहली बात तो जो डॉक्टर से आपकी, आपने डॉक्टर की मिसाल दी है वो अल्लाह पे फिट करोगे तो अल्लाह मजबूर साबित हो जाएगा कि नहीं अल्लाह बिल्कुल इतना नहीं। हाँ डॉक्टर की तरह नहीं। सुनिए ना, आपने डॉक्टर की बात की, डॉक्टर तो मजबूर है, वो हाँ थोड़ी ना हाँ हाँ सबको इंग्लिश इंग्लिश अपने एक ऐसा कुन फयकुन उसने कहा और हो गया, तो डॉक्टर के पास तो ऐसी पावर नहीं है कि वो लोगों को इंग्लिश सिखा दे और उसकी डॉक्टरी वाली बुक भी सब समझ जाए। अल्लाह के पास तो ऐसा नहीं, नहीं अल्लाह फरमाता है जब अल्लाह कोई इरादा करता है तो अल्लाह कहता है कुन फयकुन, हो जा, और वो चीज हो जाती है। और जो आप ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं कि हर हर लैंग्वेज में ट्रांसलेशन है उसका, तो जी ट्रांसलेशन किस फिरके का माना जाएगा उसी पे तो पूरे फिरके बने हैं ना, उसका जी ट्रांसलेशन हर किसी ने अपने अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट किया, उस बुनियाद पे जी तो फिरके बने हैं। तो आप कैसे बोलोगे कि कौन से फिरके वाले का ट्रांसलेशन सही है? सेम आयत नहीं से, एक ही आयत, हाँ सुनिए ना मैं मेरी बात, जी सुनिए जी मेरी हाँ बात, हाँ सुनिए, हाँ ठीक, आप बोलिए एक ही आयत से एक बरेलवी जी जो है ना वो अल्लाह अल्लाह के रसूल को आलिमुल गैब जी मानता है, उसको साबित जी करता है, और उसी आयत जी से एक देवबंदी और एक सलफी जो है वो जी ये अच्छा साबित करता है कि नबी को इल्मे गैब नहीं था। आयत सेम है, हाँ फिर और अल्लाह के नबी ने फरमा के गया है कि जो 73 फिरके होंगे वो सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय अच्छा एक के। जी जी तो अब बिल्कुल ये दो में से जो दो अकीदे बनाया कि अल्लाह के नबी जो है वो आलिमुल गैब है, उनको इल्मे गैब है, और एक जिसने ने ए, इसने जिसने ये बनाया अकीदा हाँ कि इल्मे हाँ गैब अल्लाह के नबी को नहीं है, तो उसमें से एक गलत है, एक तो जहन्नम में जाएगा। उसकी बुनियाद क्या अच्छा बनी, किस बुनियाद पे वो जहन्नम में जा रहा है, क्योंकि उसने कुरान से वो अकीदा लिया। देखिए हम यही तो आपने कहना चाह रहे हैं ना मैं आपको बता रहा हूँ ना, जी, मैं बताइए आपको कहां बता रहा हूँ, ये जो अकीदे बनते हैं ना ये कुरान से नहीं बनते हैं, ये से आप बनते थे। जो मैं बताता हूँ आपको, ये क्या होता है कि कुछ लोग जो फिरके बनाने पर जो अपने अपने ग्रुप से बन जाते हैं ना, तो वो फिर अपनी विचारधारा रखते हैं, जैसे आप अपनी विचारधारा रख रहे हैं, नहीं, तो इस कुरान टाइप से से अकीदा ग्रुप नहीं लेंगे तो कहां से लेंगे? कुरान से लीजिए ना आप अकीदा, मैं क्या कह रहा हूँ आपको। अभी आप बोल रहे थे कुरान देखिए से नहीं पूरे लेंगे अकीदा मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो इल्मे गैब की जी। आपने बात बोली है, ये सूरह आराफ की आयत नंबर 188 है, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, उसमें अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कहा कि मुझे इल्मे गैब नहीं है, ठीक है, और लोग कह रहे हैं कि इल्मे गैब था, सुनना आप, हाँ तो जब नबी खुद कह रहे हैं कि मुझे इल्मे गैब नहीं है, जो अल्लाह मुझे बताता है वो मैं लोगों को बताता हूँ, ठीक है, तो जो खुद इंसान का जो खुद नबी कहेंगे वो ज्यादा मायने रखता है या जो आम लोग कहेंगे वो ज्यादा मायने रखेगा, ये इसका जवाब मिल गया। मुबारक, नहीं, जी सुनिए सुनिए मुबारक सुनिए भाई, सुनिए, नबी जो खुद कहेंगे वो बात मानेंगे ना आप। अब जब रहा सवाल बरेलवी का, तो आप अगर आप ये कहेंगे कि यार बरेलवी इस अकीदे को नहीं मानते हैं,
तो कुरान में तीन चीजें होती है, एक तो जो मेन कुरान अरबी में होता है, एक होता है उसका ट्रांसलेशन यानी तर्जुमा, और एक होती है तफसीर। तो जो तफसीर है वो तफसीर अपनी विचारधारा की होती है, तर्जुमा किसी का बदल नहीं सकता। अगर आप किसी बरेलवी का कुरान उठा के देखेंगे तो उसमें भी आपको यही मिलेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं गैब नहीं जानता हूँ, मुझे जो अल्लाह बताता है मैं वही इख्तियार करता हूँ। तो आपको बरेलवी के भी कुरान में आपको ये चीज चेंज नहीं मिलेगी, आपको तर्जुमा सेम मिलेगा, मैं आपको साबित कर सकता हूँ। प्रॉब्लम होती है तफसीर में। सुनिए आप, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम जो है ना वो तफसीर में होती है, तर्जुमे में नहीं होती। अच्छा, आपको अगर तर्जुमा जो अलग अलग उसकी मिसाल दे दी जाए तो आप मान लेंगे? कैसी? आप बोल रहे हो कि तर्जुमा सबका सेम होता है। हाँ सर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ पहले। नहीं, आप वो बात भी समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए, बात का जो मतलब है ना वो समझना मायने रखता है। अगर आप 10 बच्चों को क्लास में बिठाएंगे अंग्रेजी के, सुनिए आप, और 10 बच्चों को एक ही सेंटेंस लिखने का कहेंगे तो वो सेम एक पैराग्राफ सेम नहीं लिखेंगे, उनकी लैंग्वेज बदल जाएगी। तो क्या उस बुनियाद पे उनको सजा मिलनी चाहिए? सुनिए सुनिए, 10 बच्चों की जवाब दीजिए, उस बुनियाद पे उनको सजा मिलनी चाहिए? सजा तब मिलेगी जब वो बात ही बदल देंगे पूरी। अगर बात सेम है और उनके वर्ड, सुनिए ना, आप सुनिए, आप सुनिए मेरी बात सुनिए। एक आम बरेलवी है, ठीक है जी, वो बरेली मसलक को, एक मुसलमान बरेलवी मसलक को करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अच्छा, उनका ये अकीदा गलत है जैसा आप बोल रहे हो, ठीक है। हालांकि वो लाचार है, माजूर है समझने में, लेकिन चूंकि उन्होंने गलत अकीदा, सुनिए ना, सुनिए सुनिए, अरे बात सुनिए ना हजरत, बात सुनिए ना, बिल्कुल आप बदल लिया सर। हम तो, अपन तो लैंग्वेज वाली बात कर रहे थे, आप सीधे इल्मे गैब के पॉइंट पे आ गए। क्योंकि लैंग्वेज में प्रॉब्लम है ना, लैंग्वेज अगर समझने जैसी होती, आसान होती तो इतने फिरके नहीं बनते। आप सुनिए ना, आपकी लैंग्वेज पे ही बोल रहा हूँ मैं। फिरके बनाना लैंग्वेज, फिरके बनाना लोगों की गलती है। अल्लाह ने कहा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की बात मानो। अब उसमें अगर किसी ने फिरके बना लिया है तो ये उनकी गलती है सर। जैसे आप अलग हो गए, फिरके बनाने की, फिरके बनाने का सोर्स क्या है, बुनियाद क्या है फिरके बनाने का? मैं बताता हूँ, अगर किसी को बात समझ में नहीं आती है, जैसे मैंने कहा कि अल्लाह ने ये आसान नहीं रखा है समझने के लिए, तो बनते सर मैं बताता हूँ। मैंने कहा शराब पीना आसान, वो शराब पीना हराम है, आपके किसी साथी ने कहा कि नहीं, मैं ये जब तक ये मेरी लैंग्वेज में नहीं आएगी मैं नहीं मानूंगा। तो जब लोग अपने विचार डालते हैं दुनिया को समझने के लिए, इस्लाम को समझने के लिए, जब लोग अपनी सोच डालते हैं तो वहां पे फिरके बनना शुरू हो जाते हैं। जब विचारधारा में बात बताइए, तब फिरके बनना शुरू हो जाता है। 2+2 क्या होता है? 2+2 क्या होता है? बिल्कुल 4 होता है सर, बिल्कुल 4 होता है। दुनिया का कोई भी एक टीचर, कोई भी एक इंसान 2+2=5 बताएगा? अच्छा, आपसे पूछ रहा हूं मैं, दुनिया का कोई भी इंसान, कोई एक टीचर 2+2=5 बताएगा? अच्छा, पूछ रहा हूँ आपसे, जवाब दीजिए ना। कौन बता रहा है सर? अरे मुबारक भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 2+2=4 होता है, आप मेरी बात मानिए बराबर? हाँ बिल्कुल मानूंगा। मैं बोल रहा हूँ कि दुनिया में आप किधर भी चले जाए, ठीक है, कोई एक इंसान भी ऐसा होगा, कोई एक टीचर जब अपने बच्चे को पढ़ाएगा तो 2+2=5 पढ़ाएगा। तो सर ये उसकी प्रॉब्लम है ना? नहीं, कोई पढ़ाएगा ही नहीं ना 2+2=5। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 2+2, सुने सुनिए, क्योंकि 2+2=4 इतना क्लियर है कि वो एक हाई लेवल वाला आदमी, एक लो लेवल वाला आदमी भी पहुंचेगा वही। सुनिए ना, आप कंप्लीट करने दीजिए। जी जी जी, 2+2=4 ये इतनी सिंपल सी चीज है कि उसको एक बच्चा भी सीखेगा या जो उसको सिखाएगा तो वो 2+2=4 ही उसका मतलब लेगा। लेकिन चूंकि कुरान जो है, और कुरान जो है वो लोगों के लिए, सिर्फ उलमा के लिए नहीं है, सारी इंसानियत के लिए हिदायत है ना, लोगों के लिए हिदायत है। तो अगर अल्लाह चाहता, अगर अल्लाह माबूद होता, हर चीज पे कादिर होता, तो वो अपने मैसेज को इतना क्लियर रखता कि 2+2=5, कोई 7, कोई 9 बना के अलग अलग फिरके नहीं बना लेता सर। वो क्या है कि मैसेज तो बिल्कुल क्लियर है,
बात कहाँ ये है क्लियर कि है, उस मैसेज को कहाँ मानने क्लियर वाला है? होगा ना सर। मैं यही तो आपको समझा रहा हूँ कि सर आप लैंग्वेज पे हैं, आप बात पे नहीं आ रहे कि इस्लाम कहना क्या चाहता है। आप कहते हैं कि नहीं मैं लैंग्वेज मेरी होगी तभी मैं मानूंगा, तो मैसेज तो मैं क्लियर है समझ सर। रही हूँ लोग अहिल अपनी जी, सर हमारे जी लोग सर अपनी चौधरी जी जीत पे बोलिए। उस अच्छा लोग अच्छा जी, अपनी जीत पे हमारे उस मुबारक मैसेज साहब, हमारे को एक्सेप्ट नहीं मुबारक करना भाई, चाहता। मुबारक अभी भाई सर थोड़ा एक सुन एक लीजिए। 2 मिनट सर, 2 मिनट, 2 मिनट सर, बस मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे कि आप नास्तिक है सर, हेलो नहीं, किसको कह रहे हैं, नास्तिक है मुझसे आप कह सर? रहे हैं यार, हाँ मुझसे आप कह रहे हैं। नहीं, मैं तो नास्तिक लोग नहीं हूँ, सर, आप क्या है फिर? मैं इंसान हूँ। नहीं इंसान तो है सर, लेकिन आप किसी धर्म को फॉलो करते हैं क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ नहीं आपसे। नहीं 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 बिल्कुल फॉलो नहीं, करते, यानी मेरे नहीं नजदीक फॉलो सारे करता। धर्म जो है इंसानों के बनाए हुए हैं। मैं इस तरह से जो देखिए है सर, धर्म आप को किसी धर्म को देखिए, आप सर किसी धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन अगर आप इस्लाम पे सवाल उठा रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने नाम सुना होगा जफर हेरेटेक का, सुना है आपने नाम? आप यहाँ की बात जी करिए जी ना जनाब, जी आप सर अपनी सुनिए, बात हमारे सुनिए, मुबारक करिए। भाई, मुबारक मैं भाई। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एक अच्छा अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ ठीक है, सिर्फ। जो है अच्छा, हम अपनी बात को ऐसे करते हैं, क्योंकि वो जो टॉपिक उनने है, कहा क्योंकि कि हजरत, देखिए जो है हजरत हमारी स्ट्रीम का जो टॉपिक है, मेरे भाई, मेरे भाई सुनिए, हमारी दो स्ट्रीम मिनट का जो में कुछ टॉपिक है उससे हम हट रहे हैं। हम सर, दोबारा उसी स्ट्रीम, उसी टॉपिक पर आते हैं, ठीक है, आप मुझे इजाजत दीजिए। हम जी सचवाला जी दोबारा बोलिए, उसी फिर मैं इनको उसी जो है अनम्यूट करता टॉपिक हूं। पर आते हैं, उसी टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि अब मैं, मुझे लग रहा है कि टॉपिक से बात हट रही है। जी जी बिल्कुल मैं हट रही है। दोबारा यानी इस बात को उसी टॉपिक पर लाता हूं, और फिर जो है यहां मैं एक बात वाजह कर दूं। अब मैं जो बात करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ कुरान की बेस पर बात करूंगा। मैं किसी जी जी हदीस की कोई किताब, किसी तारीख और किसी भी हवाले को जो है, ना किसी तर्जुमा ना किसी तफसीर की बात करूं, मैं तर्जुमे की भी बात नहीं करूंगा। ये बात याद रखिए आप। मैं जब आपसे बात करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ कुरान की टेक्स्ट की बात करूंगा, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, ना किसी तफसीर की बात, ना किसी तर्जुमे की बात। वो हदीस और जो है सारी चीजों को तो खैर बाजू रखिए आप। अब हम आते हैं कुरान के ओरिजिनल टेक्स्ट पर, क्योंकि अब ये जो टॉपिक है ये हिदायत और दलालत की बुनियाद पर जो है ये बात हो रही है, ठीक है। अब आप देखिए कि सूरह हामीम अस्सजदा की एक आयत है जिसमें कहा गया है, वलौ शिना लआतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा वलाकिन हक्कल कौलु मिन्नी लअमलअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासी अजमईन। तो मुबारक भाई, आप क्या इस आयत का तर्जुमा समझ सकते हैं? ठीक है, करने इस आयत में क्या कहा गया आपको पता है? बताइए हेलो, मुबारक भाई, मैंने अनम्यूट किया, आप बताइए। जी मुबारक भाई, सर मैंने आपसे पहले ही कहा है कि, हेलो जी, हाँ जी जी बोलिए, सुन बोलिए रहा हूँ। आप। हाँ सर, मैं पहले अपनी बात रखना चाहता हूँ, मैं आपको यही समझा रहा था सर। जी, बोलिए। हेलो, हाँ मेरे भाई की बोलिए, आवाज आ आपकी रही आवाज है? आ रही है आप जी। YouTube बंद कर दीजिए अगर चालू किए अलग से, तो हेलो आप जी YouTube बोलिए। बंद कर दीजिए, दूसरे डिवाइस पे या किधर चालू है तो उसको बंद कर दीजिए आप। हेलो, अब आ रही है? मेरी हेलो, आवाज नहीं आ रही आपको? हेलो, आपकी आवाज आ रही मुबारक है जी, भाई, आप बोलिए। आप हाँ मैं बोलिए, बात बोलूं? कीजिए। हाँ बोलिए। हाँ, बोलिए। आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, एक वीडियो एक ने डाला था कि हजरत मोहम्मद, मैं आपको आपकी बात समझा रहा हूँ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है उनकी बीवी आयशा ने जहर दे के मारा, ठीक है? देखिए, यहां अब पर मैंने जो वीडियो आपसे सवाल किया उस पर बात कीजिए प्लीज, क्योंकि मैं आपको टॉपिक पर समझा रहा हूँ ना, हमको रहना है। मैं टॉपिक की बुनियाद पर मैंने ये आयत पढ़ी है। मैं मैं किसी आपको आयशा और सर किसी जहर को मैं नहीं जानता, मैं जो है कुरान के टेक्स्ट की बात कर रहा इधर हूँ। मेरी बात को, अच्छा मुझे मैं आप वो आयत फिर एक मोहब्बत, बार पढ़ता हूँ, सूरह मैं हामीम आपको सजदा की बराबर, 13वीं आयत सुनिए, अच्छा मैं पढ़ दूं एक बार। वलौ आइए शिना पढ़िए। लआतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा वलाकिन हक्कल कौल मिन्नी लअमलअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासी अजमाइन। इस आयत में क्या बात कही गई है, जरा मुझे बताइए। सर आप भी बता दीजिए ना सर, मुझे मुझे नहीं आप नहीं अरबी का देखिए, टेस्ट दे रहे हैं, फिर नहीं, लैंग्वेज का चूंकि टेस्ट। आपका यह कहना है कि कुरान की जबान आप जानते सर हैं। मैंने कब कहा सर, कुरान की जबान जानता हूँ सर, अच्छा, मैं क्या अरबी में आप क्या लैंग्वेज की जानते तो हैं? खिलाफ हूँ सर मैं।
अच्छा नहीं ठीक है, लैंग्वेज के ही खिलाफ हूँ सर, मैं लैंग्वेज में ये चाहता हूँ कि जो सारी देखें, दुनिया मैं लिंग्विस्ट का आपके फैसला करे बस सामने, दुनिया की बात करे। हाँ मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि देखें, मैं अब कुरान के अलावा किसी और चीज को जो है मैं सामने नहीं रखूंगा। कुरान ही के हाँ टेक्स्ट की बुनियाद पर हम जो मौजू है, हमारा जो टॉपिक है, उस पर बात करेंगे। क्या आप इस सर, आयत में जो बात कही है, कही गई, आप समझ चुके हैं क्या कहा गया इसमें? सर मैं अगर ये आप नहीं आपको समझते यही हैं तो मैं बता, आपको समझाऊंगा, मैं आपको जी समझाऊंगा। बिल्कुल आप पहले बिल्कुल ये समझाइए बताइए सर, कि, बिल्कुल अच्छा नहीं समझाइए सर, ठीक पहले आप पे है, आपका मैं समझे समझा मुझे ये वो दूंगा, समझना है सर, ठीक है, मैं आपका समझा समझे मुझे दूंगा। वो भी मैं समझना अच्छा है। ठीक है, देखिए कि क्या इस आयत में जो बात कही गई, क्या आप उसको समझ चुके हैं? मैं नहीं तो सर आपको नहीं समझा बताऊंगा, मैं ना, तो आपको बताऊंगा क्या नहीं, अगर आप समझे हैं तो फिर मुझे जो है ये बात कहने में आसानी होगी, वरना मैं कुछ कहूंगा और आप कुछ कहते जाएंगे। अरे आप सर समझ आप चुके हैं इस आयत में पहले क्या सर कहा गया है? आपका आपका सर मौकुफ तो बताइए सर आप। देखें मियां, मौके की कोई बात नहीं है, मेरा मौके कुछ भी नहीं, मैं तो टैक्स की बात कर रहा हूं, मेरे मौके की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं जो एक अच्छा एक लफ्ज है जो कुछ कहा गया, मैं उसी पर बात करूंगा। मैं इसके अलावा किसी और किताब का कोई हवाला नहीं दूंगा, किसी तर्जुमे की सूरह ना किसी हामिम तफसील। की आयत 13वीं आयत बताई ना आपने, सूरह हामीम अस्सजदा की 13वीं आयत है, अच्छा वलौ ये शिना 41 नंबर, लआतैना कुल्ला नफ्सिन हुदाहा वलकिन हक्कल कौलु मिन्नी लअमलअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमाईन। तो क्या आप अभी अभी इसका सर तर्जुमा देखने वाले सर हैं? तर्जुमा देखने वाले हैं? हेलो हेलो जी सर, ये बोलिए। आयत मुझे मिल नहीं रही है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि हामी। फिर ये जो है, मतलब मैं अभी आपको बताता हूं, ये डिस्कनेक्ट हो गए हैं सच वाला जी। डिस्कनेक्ट हो गए हैं, क्या हो जी गया? जी डिस्कनेक्ट, हाँ पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गए वो। ठीक है जब तक हम दूसरे किसी को लेते हैं, नजरुल भाई भी है लाइन पे। हाँ ठीक है आ गए, ये 1 मिनट रुकिए। हेलो ये सूरह सजदा हेलो, की 13वीं आयत है। सूरज सजदा का सर नंबर बताएंगे आप? ये 41 में नहीं मिल रही है सर, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। हामी में सजदा की बात कर रहे हैं ना आप? नहीं, सूरह सजदा की बात कर रहा हूँ, ये 32 है, चैप्टर थर्टी नंबर टू थर्टी है टू थर्टी टू अच्छा, 13 एक मिनट, अच्छा आज सजदा की बात कर रहे थे आप। जी ठीक है असजदा। सर अब ये मैं, हाँ ठीक है, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सर, देख ली मैंने आयत। हेलो हेलो, जी 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 आपकी आवाज आ रही है, आप थोड़ा भी थोड़ा हाँ तो सर मैं बोलूँ म्यूट कर सर, लीजिए। नहीं जी जी बोलिए, पहले उनको, हाँ बोलिए, चलिए मैं बोलूँ जी 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 बोलिए। बोलिए। हाँ सर उस आयत से आप क्या मुराद रखते हैं उसमें? उसमें अल्लाह नहीं ताला नहीं कह रहा है इसका कि जो, हाँ जी मैं सर सीधी सी बात है कि जो जीत पे अड़ा रहेगा अल्लाह ताला उससे हिदायत छीन लेता है, उसको अल्लाह सजा देगा, इसमें नहीं, इसमें ये कौन देखिए सी। इस आयत का लफ्जी हाँ हाँ तर्जुमा कीजिए, इस आयत में क्या कहा गया है? इस आयत में क्या कहा गया है? अच्छा आपका ये मतलब है, चलिए वो भी समझा देता हूँ, पहले मेरा आयत पढ़ कोई लेता हूँ मतलब मैं। मैंने बयान किया आपको, मैंने अभी तक अगर कुछ हम नहीं कहा, मैं चाहते आपसे तो पूछ रहा पहले हूं कि इसमें को आयत में क्या उसकी कहा गया है, सिरा देते। बिल्कुल सर ये मैं पढ़ रहा हूँ सर, मैं अगर हम फिर चाहते तो पढ़िए। पहले ही हर शख्स को उसकी सही सही राह दिखा देते, मगर वो मेरी बात पूरी हो गई जो मैंने कही थी कि मैं जहन्नम को, जिन्नों को, इंसानों को, सबको भर दूंगा। यही कह रहे ना आप सर, जी यही है ना? जी हाँ सर, तो इसका मतलब ये है सर कि अल्लाह ताला ने ये जो दुनिया बनाई है, अगर वो चाहता तो फिर ये सवाल सर वहां से शुरू होता कि दुनिया बनाई क्यों? नहीं, आप अगर वो अपनी उसके आज समझ नहीं हो रही बताइए यहाँ ना पर। भाई, मैं कोई बता रहा हूँ कि दुनिया अगर अल्लाह ताला ने बनाई है और अल्लाह ताला ने इंसानों को अपने कर्मों से आजाद रखा है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे, ये जो शैतान का सिस्टम है, ये बहकाने का सिस्टम है, यही तो एक एग्जाम हॉल है एक तरीके से, हम परीक्षा दे रहे हैं दुनिया में, तो जो परीक्षा अच्छा में ये फेल हो जाएगा एग्जामिनेशन वो हॉल जाएगा। कहते हैं इसको, अच्छा सुनिए जरा, अच्छा आप अल्लाह ताला ये सुनिए, कह रहा है, अच्छा हाँ अल्लाह सुनिए ताला हमारे ये कह मुबारक रहा है भाई। कि अगर मैं चाहता तो पहले ही सबको डिसाइड करके फैसला दे देता। मान लीजिए आप हो, है ना, नहीं, खुदा ना यहाँ बात फैसले खास्ता, की नहीं हो रही है, यहाँ बात हिदायत की हो रही है, हाँ हिदायत की यहाँ बता रहा बात हूँ मैं हिदायत की आपको हो कि रही है, यहाँ फैसले की नहीं हो रही। मान लीजिए आपको पैदा होते से ही आपको
आपको कोई, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपके ऊपर मैं, आपको डायरेक्ट जहन्नम में डाल दिया जाता, पैदा होने के बाद आपकी मौत हो जाती और आप डायरेक्ट आपको जहन्नम में डाल देते, तो आप क्या अल्लाह के आगे ये ना कहते कि या अल्लाह तूने मुझे दुनिया में उस दो से गुजारना तो था, तो पता चलता कि मैं अच्छा था या बुरा था। तो अल्लाह ताला ये कह रहा है कि मैंने तुम्हारे, मैं चाहता तुमको पहले ही फैसला करके जहन्नम और जन्नत डिसाइड कर लेता, लेकिन तुम ये ना कहो कि अल्लाह ताला तूने तो हमको मौका दिया ही नहीं। कहां मौके की बात, अल्लाह ताला सुनिए सुनिए जरा, कहां इस मौके की बात कहां आ रही है साहब? ये मैं आपको समझा रहा हूँ उस आयत का मतलब, अल्लाह ताला ये कह रहा है कि मैं पहले डिसाइड कर लेता, नहीं मेरे भाई मैं पहले ही डिसाइड कर लेता तो फिर आप जैसे लोग सवाल उठाते। देखिए आप जैसे लोग अगर सवाल उठाते अल्लाह पहले डिसाइड कर लेता, सवाल उठा दे कि अल्लाह तूने आप अपनी बातें इस आयत में ना डालें, जो तो टेक्स्ट में जो कहा गया है उसका तर्जुमा कीजिए, मैं आपसे बार बार अर्ज कर रहा हूँ। चलो ये मैं पढ़ के बता रहा हूँ ना आपको, अगर हम चाहते तो पहले ही हर शख्स को उसकी सही राह दिखा देते जी, मगर मेरी वो बात पूरी हो गई जो मैंने कही थी कि जहन्नम को जिन्नों को और इंसानों को सबसे भर दूंगा। बात समझ में आ रही है जी? मतलब ये है कि मैं जहन्नम को जिन्नों और इंसानों से भर दूंगा, ये बात तो थी अल्लाह की। अब वो कैसे भराएंगे? जरा सुनिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ने जहन्नम को बनाया ही इसलिए है कि इंसानों को और जिन्नात को उसमें भर डाले, आप ये कहना चाह रहे हैं? क्योंकि आयत तो यही कह रही है, आयत तो यही कह रही है। बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल। फिर बिल्कुल देखें इस आयत का जो है लफ्जी तर्जुमा क्या होता है, मैं बता देता हूँ। अगर हम चाहते तो हम दे देते हर शख्स को उसकी हिदायत, लेकिन मेरी बात जो हक है जो वो साबित हो गई, यानी मेरा जो कौल है वो जो है सच्चा साबित हुआ, और मैं जरूर बिजरूर बिजरूर यानी यकीनन यकीनन जो है मैं जहन्नम में भर दूंगा तमाम इंसानों को और तमाम जिन्नात को। इसका मतलब ये है कि उसने जहन्नम को बनाया ही इसलिए है कि उसमें इंसानों को और तमाम जिन्नात को भर दे। अब इसमें हिदायत कहां है बताइए, क्योंकि वो चाहता है कि जो है वो तो हमें हिदायत दिया ही नहीं। नहीं तो आपका कसूर तो कब होगा? नहीं सर, आपका कसूर हिदायत में बताता हूँ। हिदायत क्या होती है सर? हिदायत कुरान कहता है कि शराब पीना मना है। देखिए शराब की बात नहीं हो रही यहाँ पर, नहीं शराब की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है ईमानियात की। आप ये बताइए कि आपके अल्लाह को आपके रसूल को हम ईमान क्यों लाएं? यहाँ बात शराब की नहीं हो रही, शराब को जो है पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कई ऐसे लोग हैं शराब पीने के बाद भी नहीं बहकते, यहाँ इस वक्त शराब हमारा मौजूद नहीं है। सच वाला जी, जी मेरे ख्याल से इनको एक तो अरबी नहीं आती है, ठीक है जी, और वो जो किधर से देख के जो उसका ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं वो भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहे वो, तो मुझे नहीं लगता कि वो सुनो जो अरबी जानता है आप वो बात करें, अगर आप अरबी जानते हैं कुरान को डायरेक्ट समझते हैं, क्योंकि देखिए तर्जुमों की बेसाखी पर चलने वाला उन्हें कभी भी जो है किसी जो है दुरुस्त मकाम पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि हर बार वो तर्जुमे का मोहताज है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये देखिए कि अरबी अल्लाह तर्जुमों का मोहताज है, भांत भांत के तर्जुमों का मोहताज है, वो अपनी बात किसी नॉन अरब को पहुंचा ही नहीं सकता, वो बेचारा मजबूर है जी, मजबूर है अरबी अल्लाह जी। मैं इनसे ना थोड़ा नॉन टेक्निकली बात करता हूँ, हो सकता है इनके समझ में आ जाए, ठीक है एक मिनट, कुछ मिनट मुझे दीजिए इनसे बात करने के लिए, ठीक है जी, जरूर जरूर जी। मुबारक भाई सर, आप तो हमको बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं सर। सुनिए मैं पूरा मौका दूंगा आपको, पूरा मौका दूंगा, ठीक है? हाँ जी देखिए मैं एक बात बताता हूँ, आपने कहा कि हमको दुनिया में भेजा गया है टेस्ट के लिए, ठीक है, हमारी परीक्षा है, हमारा एग्जाम है, ठीक है, बिल्कुल। आप मेरे को जी, आप मेरे को ये बात बताइए कि हमको फ्री विल दी गई है क्या नहीं दी गई है? बिल्कुल दी है ना सर। ठीक है, तो ये हमारे इख्तियार में है कि हम चाहे तो सही रास्ता अपनाएं चाहे तो गलत रास्ता अपनाए, गलत हमारे इख्तियार में है कि नहीं? नहीं मेरी बात का जवाब दीजिए ना, आप समझे मेरी बात। मैं बोल रहा हूँ कि हमको फ्री विल अल्लाह ने दिया है, बराबर?
यानी हमारे इख्तियार में है। अल्लाह ने दो चीज बता दी, एक सही रास्ता एक गलत रास्ता, ठीक है। सर मुझे आप बताइए कि हाँ तो हाँ अरे आप बोल लीजिए, पहले आप पहले बोल लीजिए ना बस। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि अल्लाह ने हमको फ्री विल दिया है, ठीक है, और अल्लाह ने दो रास्ते बता दिए, एक सीधा रास्ता और एक टेढ़ा रास्ता, ठीक है। सीधे रास्ते पे चलेंगे तो जन्नत मिलेगी और टेढ़े रास्ते पे चलेंगे तो जहन्नम मिलेगी। अभी तक मैंने सही बोला? बिल्कुल सही बोला या नहीं बोला? सही बोल रहे सर आप। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब फ्री विल दी गई है ना और वो मेरे इख्तियार में है कि मैं सही रास्ते पे चलूं या नहीं चलूं, तो अल्लाह ऐसा क्यों फरमा रहा है कि मैं जिसको हिदायत देता हूं उसको लोग गुमराह नहीं कर सकते? ये अल्लाह के इख्तियार में क्यों है, इसका जवाब देना, यहां वहां की बात मत करना। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बताता हूँ सर मैं आपको। जी आप जैसी मान लीजिए, पहली बात तो ये है कि अगर कोई फ्री विल इस तरीके की देता है कि जैसे मान लीजिए किसी को फ्री विल है कि वो कुछ भी कर सकता है और वो जाके अगर ड्रग्स बेचता है, वो ड्रग्स से समाज को खराब करता है, सुनिए मेरी बात, ठीक है, तो उसे सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए सर? सजा, यहाँ मैं सजा की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आपने मैं बोला आपको कि बता रहा एक हूँ, आदमी, अरे सुनिए ना हजरत, उसको हाँ सजा सर आप मिलनी चाहिए। मैं आपकी बात मान लिया, उसको सजा मिलनी चाहिए, ठीक है, आगे। मिलनी चाहिए ना सर, मिलनी चाहिए हाँ ना। ठीक है अब जी, अगर कोई आतंकवादी है सर, वो किसी को निर्दोष लोगों को बम से उड़ा देता है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए सर? मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी ठीक चाहिए, है। हाँ मिलनी चाहिए सर। अगर हाँ उसको यहाँ दुनिया में नहीं मिल पाती, तो उसको मौत के बाद मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, ठीक है, मिलना चाहिए, हाँ ठीक है, मिलना चाहिए, चलिए सर ठीक है। बिल्कुल सर, आपने इतना रख लिया। अब हाँ सर ठीक वो है। जो, हाँ अब सर आप हो जैसे, मान लीजिए मैं आपका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अरे आप टेररिस्ट का आप एग्जांपल दिए, और सुने कितने एग्जांपल दोगे? सुने, अब मैं आपको समझा रहा हूँ ना, आपको हिदायत वाली बात पे अब आ गया मैं मैं। मान इतना तो लिया आपने ना। मान लिया कि हाँ सजा मिलना चाहिए, आपने हाँ जहन्नम को ठीक मान है, लिया, सजा मिलनी चाहिए, इसके लिए धन्यवाद। ठीक ठीक है, है, हाँ आगे बोलिए। अब मैं कहूँ कि अगर आप ये कोशिश करें, अगर मैं मान लीजिए मैं हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं दीन सीखना चाहता हूँ, तो ठीक दीन है, सीखने में अल्लाह मुझे सही कॉन्सेप्ट समझाता है, तो ये हो गई अल्लाह की मदद, सुनना मेरी बात। देखिए और जब मदद एक अलग चीज है। मैं वही कह रहा हूँ, हिदायत क्या होती है, और ये हिदायत मदद को तो कहते हैं, अल्लाह नहीं, उसमें हमारी हिदायत मदद के, करता है जिनको सही समझ। हाँ 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 गलत, तो आपकी हिदायत समझ किसे कहते गलत। हैं नहीं सर आप? हिदायत मदद को नहीं कहते मेरे भाई, नहीं कहते हैं, सर गलत है। आप हिदायत हिदायत इशारे की की कीजिए, तरह, इसमें मदद का जो है लफ्ज नहीं आना है, मदद कहाँ से आए? हिदायत क्या है हिदायत अलग बताइए चीज है, सर। आप हिदायत किसको हिदायत कहते हैं, सीधी आप ये राह, बता दीजिए ना, सीधी सीधी राह राह पे तो सीधी चलाने राह को कैसे हिदायत। बताइए, तो और मदद किसको हाँ कहते हैं सर, अल्लाह की तरफ से मदद किसे कहेंगे? मदद फिर तो ये है कि गुमराही एक में भी मदद इंसान, देता है फिर अल्लाह, बात तो हाँ वही सर, हुई। फिर सीधी राह तो उसी दिखाएगा ना अच्छा सर जो सीधी राह पे चलना चाहेगा। मैं आपको ये अच्छा समझा रहा हूँ चलना, सर कि ठीक है, ये बता रहा है कि सीधी राह तुम्हारी पे, नियत पे सुनिए अगर ना, तुम सुनिए गलत ना, राह की जिद सुनिए भाई, पकड़ोगे तो मैं तुम्हें गलत राह पे ले जाऊंगा, अगर तुम सीधी राह की जिद मैं भी पकड़ोगे सीधी तो राह पे आप चलना जहन्नम चाहते में। हो पिछले 57 रहने साल? का मतलब ये है सर, एक मिनट सीधी राह का मतलब एक होता मिनट है एक मिनट, जन्नत और गलत राह का मतलब होता है जहन्नम। अब अगर कोई जन्नत नहीं में जाना चाहे तो मुबारक अल्लाह भाई, उसको सीधी राह दिखाएगा, और अगर कोई जहन्नम का रास्ता चुन, मुबारक भाई, रुकिए मैंने आपको म्यूट किया, ठीक है। आपने बोला अल्लाह मदद करता है, ठीक है, आप बोल रहे हो कि अगर मैं सीधी राह चलना चाहूंगा तो अल्लाह मुझे सीधी राह चलाएगा, अगर मैं गलत राह चलना चाहूंगा तो अल्लाह मुझे गलत राह चलाएगा। अल्लाह क्यों चलाएगा, मैं खुद चलूंगा ना यार, सीधी राह पे या गलत राह पे, तो सजा का जो मैं हकदार हूं। अल्लाह क्यों लिया है इसको अपने हाथ पे, अल्लाह क्यों चलाना चाहता है, हम खुद चलेंगे ना सीधी राह पे या गलत राह पे। जब अल्लाह ही चलाएगा तो फ्री विल कहां से आया, आप इसका जवाब दीजिए। हाँ सर मैं बता रहा हूँ आपको। हेलो जी, बताइए। सर, सर अल्लाह खुद जबरदस्ती ना किधर भी अल्लाह नहीं चलवा रहा है, अल्लाह सिर्फ हमारी मदद करता है उस कॉन्सेप्ट को समझने में। जब हम इस बात की जिद करेंगे कि मैं इस्लाम की कोई भी बात समझना नहीं चाहता हूँ, तो अल्लाह अपने को भटका देगा, अल्लाह कह देगा ठीक है भाई तुम जहन्नम में जाओ। लेकिन अगर तुम नहीं ये भाई मैं कहो इस्लाम की नहीं, मैं जो है क्रिश्चियनिटी की अल्लाह बात क्यों समझना भटका रहा चाहता हूँ, है, तो क्यों अच्छा अल्लाह क्यों इस्लाम भटका की रहा है, बात क्यों मैं समझ खुद रहा है हमको? जी, एक मिनट है सच वाला जी, वो दूसरा टॉपिक चले जाएगा। मैं इनसे साफ सीधा पूछ रहा हूं कि आप बोल रहे हो अल्लाह भटका देगा, अल्लाह को भटकाने की जरूरत क्या है, मैं खुद भटकूंगा ना। अगर अल्लाह भटका देगा तो मेरा शहर के अल्लाह भी लेंगे, सजा लेंगे क्या अल्लाह जहन्नम में, कि तू भटकना चाह रहा था तो मैंने तेरे को भटका दिया। तो एक चोर का अगर कोई साथ दे
चोरी करे, उसके चोरी में साथ दे, तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, आप ये बताओ। अल्लाह भटकाने का मतलब ये नहीं है सर कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो और अल्लाह भटका देगा। अल्लाह तो उनको कैसे भटकाता है भटका जो रहा है? जीत जीत पे अड़े देते हैं। मैं अच्छा आपको क्यों बताता भटका हूँ, रहा मैं है किसी बता रहा हूँ अल्लाह? क्यों आपको, भटका रहा है अल्लाह? क्यों भटका रहा है? क्योंकि वो सीधे रास्ते पे आना नहीं चाहता है। वो अगर अरे तो इसी मैं रास्ते पे सीधे अगर वो रास्ते, सीधा रास्ता सुनो है ना, क्या? मैं हाँ सीधे रास्ते पे नहीं आना चाह रहा हूँ। नहीं, एक मिनट सच वाला जी, मैं हाँ सीधे रास्ते पे नहीं आना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं हाँ भटक रहा हूँ, हाँ तो मैं भटकूंगा हाँ ना, अल्लाह को क्यों भटकाने की जरूरत है? एक्स्ट्रा बोझ क्यों डाल रहा है अल्लाह? अरे अल्लाह भटका नहीं रहा है, अल्लाह फिर तुमको सीधे रास्ता नहीं दिखाएगा, इसको आप भटकाना बोल रहे कहते हैं भाई? तो आप वही समझ ही भटका नहीं रहा रहे है उस ना। बात को। देखिए अच्छा, मैंने आपको भटकाने को भटका कॉन्सेप्ट रहा है का नहीं कहेंगे, एक मिनट, एग्जाम्पल, आप भटकाने को कॉन्सेप्ट भटका का रहा है नहीं आप कहेंगे, चाहते हैं, इसी को तो भटकना कहते हैं सर। एक मिनट, तो मैं पब्लिक भटक को रहा हूं कि अल्लाह भटका रहा कंफ्यूज है, पब्लिक को आप कंफ्यूज कर होगा? देंगे सर, बेचारे हाँ, पब्लिक जो है। पब्लिक अच्छा क्या ठीक है, छोड़ दो, एक मिनट, मैं आपको है ना बहुत मुबारक भाई, पब्लिक का छोड़ दीजिए। देखो, जब जवाब नहीं रहेगा ना, तो आप पब्लिक पे आ जाएंगे, यहां वहां चले जाएंगे। मैं बोल रहा हूं कि मैं भटक रहा हूं, तो उसमें ये कैसे कहा जाएगा कि अल्लाह भटका रहा है? और अगर अल्लाह भटका रहा है, तो क्या मेरी सजा अल्लाह को भी मिलेगी भटकाने के जुर्म में? सर ये इसका आप जवाब कोशिश दीजिए आप। करके देख लीजिए क्या कोशिश क्या करके क्या देख क्या, लीजिए सर। किस बात सर की, वो हाँ वो सजा की अल्लाह कैसी को सजा सजा? मिलेगी कि नहीं सर, ये तो मौत के बाद ही मालूम पड़ेगा आपके सर। हिसाब से? अच्छा, एक एक चोर है, मैं एक बात ठीक है, बताइए मैं सर, मैं आपको आपको मिसाल एग्जाम्पल देता देता हूं। हूँ। नहीं, मैं मेरी मेरी मिसाल समझिए आप। एक चोर है, वो चोरी करना चाह रहा है 10,000 की, ठीक है, और मैं उसको जो है ना, उसकी चोरी में उसका साथ दे रहा हूं कि चल तू चोरी कर, मैं तेरे को भटकाता हूं, तो वो चोर के साथ मुझे सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपके हिसाब से इंसाफ की बात क्या है? बोलता हूँ ना सर, ये हाँ जिंदगी, बताइए। ये दुनिया में हर इंसान को मौत आती है सर। मौत ठीक देने है, वाला कौन है? अल्लाह है। अब आप कहोगे कि ठीक अल्लाह है, पे मर्डर का इल्जाम चलना चाहिए, आप हाँ बोलोगे चलना क्या? चाहिए, अल्लाह ने क्यों अलाउ चलना किया चाहिए? ना। मतलब इंसान को मौत नहीं दे अल्लाह, मतलब वो अपना सिस्टम नहीं खराब करे नहीं अल्लाह हाँ ने, सुनो ना, देखो, हंसने से कुछ होता है सर, क्या? सर मैं प्रॉब्लम ये आपसे है कि ये आप पूछा, जिस दिन सर आप खुद ही इस बात को सीखना चाहेंगे ना सर इस्लाम, उस दिन आपको सर मजा आ जाएगा और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं सारे फंडामेंटल क्लियर करूंगा सर। एक लेकिन भी आप नहीं अगर कर पा जिद रही, पे मैं रहेंगे भटकता हूँ, साल में तो सर मैं सीख नहीं पाया मेरे भाई, मैंने तो सब एक कुछ भी मांगा, बात नहीं इसके कर पा रहे। बाद में समझ नहीं पाया इस्लाम का जो घन चक्कर, आप ही अब तो क्या सर, आप करूं? सब सत्ताओं अब मैं मुबारक क्या भाई, करूं? आप सत्ताओं की आपके पास किताब या इसके किसी और की आगे, किताब सर आपके पास इस्लाम के इसके आगे खिलाफ? जवाब है क्या? नहीं है, सर आप सुनना ही नहीं चाह रहे जवाब, आप बता ही नहीं तो रहे। क्या जवाब मैं है? एक सिंपल सी चीज पूछता हूं, अगर मैं हाँ गलत रास्ते पे चल रहा हूं, अच्छा सर, ठीक है, तो टॉपिक अगर मैं यहीं कुछ, पे देखिए, मैंने आपकी एक ही बात का जवाब चाह, मैं आपसे, आप है ना, बीच में दूसरी बात करते हैं ना, तो उसमें मजा किरकिरा हो जाता है। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, आप उसका जवाब दीजिए। मैं आपको सब कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, ये सब की अभी जरूरत नहीं है भाई। मुबारक भाई, हम प्यार से आपसे बात कर रहे हैं, तो आप टॉपिक पे बात करिए। अगर आपके पास जवाब नहीं है, तो आप बोल दीजिए, इसके आगे मेरे पास जवाब नहीं, हम दूसरे कॉलर को ले लेते। फिर से मैं एकदम सिंपल सी चीज पूछ रहा हूँ आपसे, कि मैं गलत रास्ते पे चलना चाह रहा हूं, या मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूं, तो अल्लाह मुझे, अल्लाह का उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है? अल्लाह क्यों मुझे भटकाना चाह रहा है? अल्लाह क्यों गुमराह कर रहा है? अल्लाह ने ये क्यों इख्तियार लिया कि मैं गुमराह करूंगा, मैं उनके दिलों पे मोहर लगा दूंगा? क्यों मोहर लगाना चाह रहा है अल्लाह? क्या मरने तक का हमारे पास वक्त नहीं है? उसके पहले ही अल्लाह ने क्यों मोहर लगा दी? इसका जवाब दीजिए। सर मोहर इसे लगा दी कि जिद्दी हो गए सर, अगर जिद इंसान छोड़ देगा तो अल्लाह मोहर भी हटा लेगा। आप अच्छा, अगर जो चीज ऐसा पे कहाँ अल्लाह लिखा है मोहर कि जिद लगा छोड़ दे, देगा तो मोहर हटा लेगा? नहीं पूरे सच कुरान में वाला कहाँ लिखा है जी, बताइए। जी जिस पे अल्लाह मोहर लगा दे, तो वो हिदायत भी पा सकता है क्या? अल्लाह ने ये नहीं नहीं नाइंसाफी नहीं पा क्यों सकता, की? क्योंकि जो है देखें, मैं सूरह बकरा की आयत पढ़ता हूँ, देखिए, हाँ, इन लदीन कफरू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम व अला समिहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन गिशावा, अलीम। अब आप देखिए कि अब इस पर क्या क्या कहेंगे, इसका तो हाँ, तर्जुमा देखने के लिए फिर वो जो है किसी तर्जुमे के पास चले जाते हैं ये हजरत। भाई उनको तो आप समझ में क्या भी नहीं इन आएगा। आयतों का, इन लफ्जों का डायरेक्ट मतलब समझते हैं? क्या कहा गया है इसमें? तो सच वाला जी, अभी इनके लिए मैं आसान कर देता हूं, मैं इनसे ये पूछ रहा हूं कि अगर अल्लाह मोहर लगा दे मेरी सोच पे, तो क्या मैं उस मोहर को हटा के फिर सच्चाई की तरफ जा सकता हूं? ये भाई चले गए,
सच वाला जी क्योंकि वो जो है, वो जो मुहर है हमारे साहिल जी, वो दिलों पर भी है, वो आंखों पर भी है, वो जो है हाँ कानों पर भी है, वो सब पर मोहर लगा दी है और हमेशा के लिए, और उनके लिए अजाब भी रेडी है, जी पूरी दर्दनाक तरीके से पैक खतरनाक कर दिया अजाब है। भी रेडी है, पूरा पूरा प्लान करके है समझ, क्योंकि उनकी बात नहीं मान रहे हैं। और फिर ये भी कहा गया जी है कि इन्नल लदीन कफरू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, जिन्होंने कुफ्र जी किया यानी जो काफिर हैं, उनके लिए तुम डराओ या समझाओ या ना समझाओ, वो मानने वाले नहीं है, इसलिए मानने वाले नहीं है क्योंकि उन पर जो है मोहर लग चुकी है।